मैंने देयर इज स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी लिखी है, ये किताब अयान और कायनात की है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कहानी को जाने बिना। हर इंसान की एक कहानी होती है और हमें उसकी कहानी को जानना चाहिए पहले, फिर उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं ट्रेन जर्नी कर रही थी और मेरे लिए ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत मतलब टायरिंग होता है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं अपने थॉट्स से भागती हूँ, तो मैंने अपने थॉट्स से भागने के लिए एक बुक लिखी। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं एक बुक लिख रही हूँ, मैं बस ऐसी स्टोरी लिख रही थी और मैं बस लिखती गई और वो एक कहानी बन गई, एक स्टोरी बन गई और फिर बुक पब्लिश हो गई। ये मेरी पहली किताब है, मतलब देखा जाए तो पहली पब्लिश किताब है। इससे पहले मतलब आई थी किताब, लेकिन वो कभी मार्केट में नहीं आई थी, उसमें मेरी बहन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी मैं मतलब कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह लिख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा पोएट्री पे वर्क करूँ या कोई नॉवेल लिखूँ, कोई न्यू टॉपिक लाऊँ, किसी न्यू कॉन्सेप्ट पे बात करूँ। मैं किताबें लिखने के लिए अपने पापा से इंस्पायर हुई हूँ, वो मुझे हमेशा लिखने को कहते थे, मेरे लिए हमेशा मैगजीन्स लाया करते थे, मुझसे कहते थे कि बेटा पढ़ो। और फिर मतलब मेरे घर का भी माहौल ऐसा था जहाँ पे मतलब मुझे एक्सपोजर दिया गया कि मैं नॉवेल्स, मैगजीन्स, कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ूँ। मतलब बहुत कम उम्र में मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं किताब के हवाले से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो भी होती है वो मुश्किल नहीं होती है, अगर मुश्किल होती भी है ना तो हम उसे आसान बना सकते हैं अपनी सोच बदल के, नज़रिया बदल के, क्योंकि इस बुक में डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात हुई है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, वो भी नहीं है। मतलब जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मदर का भी इंतकाल हो गया था। अभी बड़े होकर आप क्या बनना चाहती है, कहाँ देखना चाहती है 5 साल के बाद अपने आप को? 5 साल के बाद मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे प्लेस पे देखना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने ददिहाल वाले को, ननिहाल वाले को, सबको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे और मेरे पेरेंट्स को जाने, वो जाने कि मैं तस्नीम कौसर हूँ, वो जाने कि मतलब मैंने कुछ लिखा है, वो मेरे वर्ड्स से इंस्पायर हो, मैं लोगों को हील कर सकूँ अपने वर्ड्स।